वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर विद दीपिका। तो आज की वीडियो है थोड़ी स्पेशल, बिकॉज आज मैं कर रही हूँ आपके सामने न्यू ब्राइड मेकअप ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मेरी भाभी, अभी मेरे भैया की शादी हुई है तो उनकी ये है ब्राइड। तो आज मैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो चलिए देखिए मैं कैसे मेकअप कर रही हूँ उनके ऊपर। सबसे पहले मैंने किया है उनके फेस पे मॉइस्चराइज़र। फेस क्लीन करने के बाद मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़ किया है, लैक्मे का पीच मॉइस्चराइज़र मैंने उनको लगाया है। एंड देन मैं अब अप्लाई कर रही हूँ इसके बाद हुड्डा ब्यूटी का कंसीलर। और सॉरी, एक पॉइंट मेरा स्किप हो गया है, प्राइमर वाला वो स्किप हो गया है। मैंने मॉइस्चराइज़र के बाद फिर प्राइमर लगा दिया था। देन अब मैंने इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। आपको ये फील ना हो कि मैं बहुत हार्डली कर रही हूँ, हार्डली नहीं कर रही हूँ, बहुत ही आराम से किया है। बट मैंने जो है थोड़ा सा जो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एनवाय मेकअप फाउंडेशन, जिसके अंदर है शेड मेरे पास शेड नंबर 1। मैं इसको अपने इनके पूरे फेस पे डॉटेड फॉर्म में लगाऊंगी। देन मैं इसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेकर, देन मैं उसको पूरे अच्छे से फेस पे जो है ब्लेंड कर दूंगी। और ये जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, ठीक ठाक है, मतलब आप डेली वेयर में इसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में ये कंसीलर है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में ये फाउंडेशन है। मैंने इसका ऑलरेडी एक रिव्यू दे चुकी हूँ अपने वीडियो में, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे हम जो है मस्ती भी कर रहे थे और मेरी बेटी वो हंस रही थी कि आप क्या कर रहे हो मम्मा। तो अब मैं आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, और इसमें ब्रश शेड है ब्लैक, और मैं अच्छे से जो है इसे फिल कर लूँगी अब। यहाँ पे भाभी की जो आईब्रो है वो ब्लैक की है, और कई लोग होते हैं जिनकी जिनमें जो है ब्राउन कलर सूट करता है तो वो ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो है ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, और मेरी स्किन पे भी मुझे ब्लैक कलर ही सूट करता है, इसलिए मैंने ब्लैक शेड लिया है। और मैं एक बार जो है इसको कॉम कर लूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मोडा का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फाउंडेशन को जो है सेट करने के लिए, और ये जो कॉम्पैक्ट है काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, और जिसकी कवरेज है कवरेज भी ठीक देता है और बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है। आप इसे डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, और मैंने ये purple.com से परचेज़ किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कॉम्पैक्ट। अब मैं आई मेकअप के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ हिलेरी रोडा का आई शेडो पैलेट, और ये आई शेडो पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके जो सारे शेड है ना वो काफ़ी पिगमेंटेड हैं, और इसमें हाफ मैट है और हाफ शिमरी है। और तो मैं इसमें से सबसे पहले मैं लाइट शेड दे रही हूँ, और उसको एज ए ट्रांजेक्शन कलर मैं जो है अप्लाई कर रही हूँ, और मैं बहुत ही अच्छे से जो है इसको अप्लाई करूँगी। देन मैं इसे थोड़ा सा डार्क शेड लेके उसे थोड़ी सी नीचे मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज एरिया में। हल्के से इसको जो है हमें ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे, और इसको जो है दोनों को जब हम लगा लेंगे देन उसको फिर हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, दोनों शेड को हमें ब्लेंड कर लेना है फिर। अब मैं थोड़ा सा इसमें और डार्क लेके, मेरा तीसरा डार्क शेड है, अब मैं इसको जो है साइड में वी पोर्शन बनाते हुए, वी शेप बनाते हुए मैं इसको लगाऊंगी और अंदर की साइड ले जाके इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसमें एक आपको अच्छा सा स्मोकी सा लुक मिलेगा, और ध्यान रखें इसको वी शेप बनाते हुए देन आपको अंदर की साइड ले जाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गोल्डन शेड, और ब्यूटीफुल गोल्डन शेड है, मैं फिंगर की हेल्प से अपने जो है इस आईलिड एरिया पर लगाऊँगी। मेरे हिसाब से जो है फिंगर की हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छे से लगता है, ब्रश से इतना अच्छा नहीं लगता, बट फिंगर से काफ़ी अच्छे से लग जाता है आपके आईलिड एरिया पे। एंड देन मैं इसको लगाने के बाद इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे, मतलब अलग सा ना लगे बिल्कुल, और अच्छे से ब्लेंड हुआ लगे। देन मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, और जो भी एक्सेस आपको गिरा है आप उसको हटा दीजिएगा। अब मैं इसे नीचे लोअर लैश लाइन में भी, जो मैंने ऊपर ट्रांजेक्शन कलर लिया था वही मैं नीचे लोअर लैश लाइन में भी लगाऊंगी।
और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, और आईलाइनर के लिए मैं यह यूज़ कर रही हूँ NYBAE का लिक्विड आईलाइनर। और ये आईलाइनर भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली NYBAE के काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो अच्छे नहीं लगे हैं। मोस्टली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं और रिजनेबल भी हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हैं ये प्रोडक्ट्स। तो मैं अच्छे से जो है यहाँ पे लाइनर लगा दूँगी। और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYBAE का काजल, और इसको मैं थोड़ा सा मतलब पतला नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं मोटा लगाऊंगी, और नीचे की साइड अपनी लाइन में भी लगाऊंगी मैं इसको। आप जैसे कि देख रहे हैं थोड़ा सा मैं इसे मोटा लगाऊंगी काजल को, और ये लाइनर का लाइनर के साथ साथ ये काजल भी NYBAE का काफ़ी अच्छा है, और स्मच प्रूफ काजल है ये, तो काफ़ी रिजनेबल भी है। और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपना मश्कारा, और ये मश्कारा काफ़ी अच्छा है, इससे लैशेस जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनाइज लगती हैं। और जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कोई फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं किया है, ये मश्कारा ही काफ़ी अच्छा है और इसे काफ़ी अच्छी लेंथ आ जाती है आपके लैशेज़ पर। देन मैं ब्लश के लिए यहाँ वही जो है दूसरा वाला पैलेट जो है लैरी लुडो का वो यूज़ कर रही हूँ, और जो इसका शेड है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, काफ़ी अच्छे से जो है इससे ब्लश लग गया है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, और ये भी रिसेंटली मैं मार्केट से परचेज़ करके लाई हूँ, ये है हाइलाइटर, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है ये, और इसमें मेरा शेड है रोज़ गोल्ड, काफ़ी पिगमेंटेड हाइलाइटर है ये। और जस्ट ये 100 रुपीज़ का हाइलाइटर मुझे मिला है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYBAE का लिप लाइनर, और अब मैं यह यूज़ कर रही हूँ NYBAE की लिक्विड लिपस्टिक, और जिसमें मेरे पास शेड है और कुछ ऑरेंज और रेड शेड है मेरे पास ये, और ये शेड बहुत ही ब्यूटीफुल है, रेड ऑरेंज टोन पे ये शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है न्यूली ब्राइड पे तो ये शेड, क्योंकि अभी भी शादी करके आई है, उन पर रेड कलर बहुत ही सुंदर लगता है, और भाभी पे देखिए कितना सूट करेगा ये कलर। और अपने मैं इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBAE का मेकअप फिक्सर, इससे जो मेरा पूरा मेकअप है वो सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी स्वेट नहीं करेगा। तो गाइस देखिए मैंने पूरा मेकअप कर दिया है भाभी का, और देखिए कितनी प्रिटी लग रही है ये। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक।